तो वही इंटरनेशनल लेवल विधायक अभय चौटाला चंडीगढ़ में पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान अभय चौटाला ने कई मुद्दों पर अपनी राय साझा करी। अभय चौटाला ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। तो ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मांग गया, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उस चुनाव को लड़ रहे हैं, और मुख्यमंत्री महोदय भी जो हैं गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और चुनाव लड़ रहे हैं। ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हिम्मत की उन लोगों का सामना कर सके, क्योंकि 10 वर्ष में उस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस की सरकार ने उन लोगों की बहुत बड़ी अनदेखी करी थी। और भारतीय जनता पार्टी की तो आज हालत ऐसी है कि जहाँ कहीं भी आप बड़ौदा को छोड़ो, हरियाणा प्रदेश के किसी भी गांव में जाकर के अपना कार्यक्रम नहीं कर सकते। हमने पहले दिन आपसे ये कहा था कि जो नॉमिनेशन की लास्ट डेट होगी उससे पहले दिन हम अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। हम 15 तारीख को अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। हमने क्या लेना है, कांग्रेस किसको लड़ा रही है, हमने क्या लेना है, बीजेपी किसको लड़ा रही है। हमने तो हमारी जो पार्टी के लोग हैं जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को इस संकट के समय में मजबूती दी है, हम उसी में से किसी एक चेहरे को ला करके इस इलेक्शन की जिम्मेवारी देंगे। हर हालत के अंदर सत्र बुलाना चाहिए, सत्र बुला करके इस पर खुल करके चर्चा होनी चाहिए। मैं तो आज ही स्पीकर साहब से फिर कहूँगा, मेरे को जो पूर्व स्पीकर है उन्होंने एक टीवी चैनल के ऊपर जब इस किसान इशू को लेकर चर्चा हो रही थी तब उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम जल्दी सेशन बुलाएंगे। मैं तो आज भी उनको पकड़ के कह करके आया था कि आपको जल्दी सेशन बुलाना चाहिए।